आपको दे दें, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है जुलाना हरियाणा की। जुलाना सीट से विनेश फोगाट आगे चल रही हैं, कांग्रेस पार्टी की विनेश फोगाट आगे चल रही हैं रस्तर, और उनकी ओर से जबरदस्त तरीके से वहां पर चुनावी प्रचार प्रसार भी किया गया था। जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही है, 90 में से 60 के रुझान अब तक हरियाणा के सामने आए हैं। कांग्रेस 35 पर आगे बढ़ रही है, बीजेपी काफी ज्यादा यहां पर पिछड़ गई है 18 के साथ, अन्य के पास 8 सीटें अब तक ये रुझानों में सामने है। तो हरियाणा में हम आपको दिखा रहे हैं रुझान, रुझान ये इशारा कर रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है, 37 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। वहीं अब मामला जो कि एक वक्त पर बराबरी का दिख रहा था वो अब बीजेपी के लिए पिछड़ता हुआ। जुलाना से अनमोल बाली हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनेश फोगाट वहां से आगे चल रही है जुलाना से। अनमोल, अंजना, हाँ, अगर आप अभी की बात करें 8 बजे देखा गया कि जो पोस्टल बैलेट थे उनको खोला गया, और अभी के अगर हम चुनाव नतीजों की बात करें जो अभी के रुझान है वहां देखा जा रहा है कि जो विनेश फोगाट है वो आगे चल रही है, और जो कैंडिडेट्स हैं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों जजपा के हों वो अभी पीछे चल रहे हैं। पर अंजना, ये अभी बहुत ही शुरुआती रुझान है क्योंकि यहाँ देखा गया जाटलैंड का इलाका है और कहीं ना कहीं यहाँ से INLD और JJP हमेशा से जीतती आ रही है। पर इस बार देखा गया कि जब एक बड़े जाट चेहरे को, एक बड़े एथलीट को, विनेश फोगाट को यहां से उतारा गया, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से यहां जो जाट समाज था, किसान समाज था, उनकी पहले इस वक्त बड़ी खबर दे दें, मैं लौट रही हूं रुझानों में। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अब तक देखिए 46 है ये बहुमत के लिए, 47 सीटें रुझानों में कांग्रेस पार्टी को यहां पर आ गई है, 48 हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 90 में से 60 रुझानों के मुताबिक 48 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। साफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। आदित्य सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं और वो कैथल सीट से चुनावी मैदान में हैं। आदित्य जी, स्वागत आपका आज तक पर। बहुत कम उम्र में चुनावी मैदान में आपने अखाड़े में कूद लगा ली है, छलांग लगा दी है। फिलहाल आपकी सीट से भी खबर आप ही के पक्ष में आ रही है, क्या बताएंगे, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी नजर में? अब तो 48 पर कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में 68 सीटों के रुझान आ गए जिनमें से 48 सीटों के साथ 46 वो आंकड़ा है जिस पर सरकार बन सकती है, और 48 सीटों पर अगर कांग्रेस पार्टी आगे लग रही है। छोटा दुकानदार, मातृशक्ति, युवा शक्ति, इन सबकी जिंदगी बेहतर बनाने का मौका मिलता है। इस भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में अपने राज के आम आदमी की, गरीब आदमी की मदद की नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और मेरे खून में इन सब का नाम चलता है और रात को सो नहीं पाता, इनकी चिंता होती। तो मैं जानता हूं आज भगवान तो क्या, वोटरों की कृपा से और उनके आशीर्वाद के साथ कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बनाने वाली है, और क्योंकि वो एक बार फिर से अपने हरियाणा को, अपने कैथल को एक विकास, न्याय और सच के रास्ते पे चलते हुए देखना चाहती है। बीजेपी आपको विदेशी बता रही है कि आप तो राजी नहीं थे, लेकिन आपको परिवार की साख के लिए, परिवार की नाक के लिए यहाँ पर चुनाव के लिए उतारा गया, लड़ना पड़ा। दो चीज, एक तो भाजपा सरकार, भाजपा नेताओं के पास अपने खुद के काम के बात करने के लिए तो कोई काम है ही नहीं। काम की राजनीति होनी चाहिए, काम करके दिखाओ और फिर बोलो देखो मैंने पिछले 5 साल में 10 साल में ये काम किए, इसके आधार पर मुझे वोट दीजिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप बातचीत करते रहिए।